नमस्कार, सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम याज्ञवल्क्य स्मृति में जो अपने पाठ्यक्रम में दाय भाग सम्मिलित है उस दाय भाग के विषय में पढ़ेंगे। अब दाय क्या है कि तत्र दाय शब्देन यद् धनम स्वामी संबंधात एव निमित्तात् अन्य से स्वम भवति तत् दाय, कि जो धन होता है उसका कोई न कोई स्वामी अवश्य होता है, तो उस स्वामी से उत्तराधिकार के रूप में जो अन्य को प्राप्त होता है वह धन, वही दाय कहलाता है। यह दाय दो प्रकार का होता है, एक अप्रतिबंध दाय और सप्रतिबंध दाय। अप्रतिबंध दाय में जैसे पिता का धन है वह उसके पुत्रों को, या जो पितामह है दादाजी हैं उनका धन उनके पुत्रों को प्राप्त होता है, वह अप्रतिबंध दाय कहलाता है। कि पिता या पितामह का धन पुत्र या पोत्रों को प्राप्त हो वह धन अप्रतिबंध दाय कहलाता है। अब है सप्रतिबंध दाय, यदि पुत्र न हो या पोत्र न हो तो जो ताऊ चाचा इनके पुत्र हैं या कोई सगे संबंधी हैं उनको धन प्राप्त होता है वह है सप्रतिबंध दाय। जैसे पुत्र नहीं होता है और यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके संबंधियों या उसके भाई आदि के पुत्रों की जो पगड़ी की रस्म होती है उत्तराधिकार के लिए कि यही इसका उत्तराधिकारी होगा, तो जो पगड़ी की रस्म होती है वह इसी कारण की जाती है कि वह उसके धन का अधिकारी बन जाता है। इस प्रकार जो दाय है वह दो प्रकार का होता है, एक अप्रतिबंध दाय और एक सप्रतिबंध दाय। अप्रतिबंध दाय में तो पुत्र या पुत्रों को धन प्राप्त होता है और सप्रतिबंध दाय में पुत्र के अभाव में या पुत्र के अभाव में जो सगे संबंधी हैं उनको धन की प्राप्ति होती है वह सप्रतिबंध दाय कहलाता है। अब पिता यदि जीवित अवस्था में ही अपने धन का विभाग कर देता है, बंटवारा कर देता है, उसके संबंध में कहा गया है कि विभागम चेत पिता कुर्यात् इच्छया विभजेत सुतान् ज्येष्ठम वा श्रेष्ठ भागेन सर्वे वास्यु समानसिनः। कि विभाग ये जो बंटवारा है वह यदि पिता करता है तो अपनी इच्छा के अनुसार अपने पुत्रों में बांट सकता है, लेकिन फिर भी कुछ नियम है। ज्येष्ठम वा श्रेष्ठ भागेन, जो ज्येष्ठ पुत्र होता है, जो बड़ा पुत्र होता है, उस बड़े पुत्र को श्रेष्ठ भाग ज़्यादा अंश देना चाहिए, धन का अधिक अंश अपने ज्येष्ठ पुत्र को देना चाहिए। सर्वे वा स्यु समानसिन, और जो अन्य पुत्र हैं उनको बराबर बांट देना चाहिए। जो धन है उसका श्रेष्ठ भाग थोड़ा ज़्यादा हिस्सा अपने बड़े पुत्र को बांट देना चाहिए और अन्य जो बचा हुआ धन है वह अपने अन्य पुत्रों में समान रूप से बांट देना चाहिए, विभाजित कर देना चाहिए। क्योंकि जो ज्येष्ठ पुत्र होता है वह है उन सभी भाइयों का, क्योंकि वह पहले बड़ा हो जाता है इसलिए वह है अपने पिता के साथ साथ में उनके पालन पोषण में सहयोग प्रदान करता है, इसलिए उसको थोड़ा श्रेष्ठ भाग देना चाहिए, ज़्यादा भाग उसको बंटवारे में देना चाहिए। यदि कुर्यात् समानसान पत्ने कार्या समानसिकः न दत्तम स्त्रीधनम यासाम भर्ता वा ससुरेण वा। यदि कुर्यात् समान अंशान, यदि इस प्रकार समान अंशों में बंटवारा किया जाता है तो पत्ने कार्या समानसिका, तो उनकी जो पत्नियां हैं
उनको भी समान रूप से धन देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं पत्नियों को देना चाहिए जिन पत्नियों को न दत्तम स्त्री धनम, जिनको स्त्री धन नहीं दिया गया है। अब स्त्री धन कौन सा है कि भर्त्रा स्वसुरेण वा, कि पति या अपने ससुर के द्वारा पहले धन नहीं दिया गया हो। जब शादी होती है तो शादी में जो ससुराल वाले लोग हैं, किसके, बहू के, बहू के ससुराल वाले जो लोग हैं, लड़की के ससुराल वाले लोग हैं, वो सगाई में या शादी के समय में जो गहने आदि बना करके उसे लड़की को देते हैं, तो वह उसका स्त्री धन कहलाता है, या उसको पिता देता है, भाई देता है, ये सब स्त्री धन के अंतर्गत आता है। तो शादी के समय में ससुराल पक्ष वाले लोग उस स्त्री को, अपनी बहू को, जो गहने आदि बनवा करके देते हैं। यदि पहले वो नहीं दिए गए हैं विवाह के समय में, तो ऐसी बहुओं को, ऐसी पत्नियों को भी धन का समान हिस्सा देना चाहिए। पितृद्रव्याविरोधेन, कि पितृद्रव्य अविरोधेन, यहाँ पर दीर्घ संधि है, कि पितृद्रव्य अविरोधेन यद अन्यत स्वयं अर्जितम मित्रम ओदवाहिकम चेव दायदानाम न तद भवेत। अब जब धन का बंटवारा किया जाता है तो कौन कौन से धन का बंटवारा नहीं करना है, उसके संबंध में यज्ञवल्क्य जी ने कहा है कि पितृद्रव्य अविरोधेन, कि जो पिता का धन है उसको खर्च किए बिना, उसका इन्वेस्ट किए बिना, यदि यत जो अन्यत, जो अन्य प्रकार से स्वयं अर्जितम, स्वयं ने कमाया है, कि पिता के धन को खर्च किए बिना, पिता के धन का इन्वेस्ट किए बिना, जो अन्य उपाय से स्वयं ने जो धन कमाया है, किसी पुत्र ने यदि स्वयं अपनी बौद्धिक क्षमता से जो धन कमाया है, या मित्रों से जो धन प्राप्त हुआ है, या शादी में जो धन ससुराल पक्ष वालों से जो धन प्राप्त हुआ है, उनको दायदानाम न तद भवेत, वह बंटवारे के योग्य नहीं होता है। कि किसी भाई को यदि ससुराल पक्ष से जो धन प्राप्त हुआ है उस धन का भी बंटवारा नहीं होता है, या मित्र के द्वारा कोई धन प्राप्त हुआ है उसका भी बंटवारा नहीं होता है, या पिता के धन का इन्वेस्ट किए बिना जो स्वयं की बौद्धिक क्षमता के अनुसार जो धन कमाया गया है उसका भी बंटवारा नहीं होता है। क्रमाद अभ्यागतम द्रव्यम ऋतम अपि उद्रेत तु ये दायदेव्यो न तद्ध्यात विद्या लब्धमेव च, कि जैसे कोई पैतृक धन है उसको यदि कोई हरण कर लेता है, उस हरण किए हुए धन को जो पुत्र छुड़ाता है, वापिस प्राप्त करता है, अपनी क्षमता के अनुसार जो पुत्र या भाई उस धन को पुनः प्राप्त करता है, तो वह धन उसी का होता है, उसका बंटवारा नहीं किया जाता। और जो विद्या के द्वारा धन प्राप्त करता है, कि पिता जब अपने पुत्रों में धन का बंटवारा करता है, तो जो पुत्र अपनी विद्या के द्वारा धन प्राप्त करता है उसका भी बंटवारा नहीं किया जाता। और जो पैतृक पहले से कोई धन होता है यदि उसका कोई व्यक्ति हरण कर लेता है, उस हरण किए हुए धन को जो पुत्र उसको छुड़वाता है वह धन उसी का हो जाता है, वह अन्य पुत्रों में बांटा नहीं जाता है। अब है पितुर ऊर्ध्वम विभजताम माता अप्यंशम समम हरित, कि जब पिता की मृत्यु के बाद में, पितु ऊर्ध्वम के पिता की मृत्यु के पश्चात में जो पुत्रों का धन विभाजित किया, या पुत्रों में जो धन विभाजित किया जाता है, तब माता को भी समान रूप से उसका अंश देना चाहिए। जैसे मान लो किसी के तीन पुत्र हैं और पिता की मृत्यु हो जाती है,
तो तीनों पुत्र उस धन का तीन की जगह चार हिस्सा करेंगे, क्योंकि तीन तो वो स्वयं हैं और एक माता। इस प्रकार उस धन के चार हिस्से होंगे। लेकिन आजकल क्या होता है कि भाई और भहीने और माता इन सभी का बराबर हिस्सा होता है। पिता के धन पे माता, पुत्रियां और पुत्र इन सभी का आजकल बराबर हिस्सा होता है। पिता की मृत्यु के पश्चात जब उत्तराधिकार के रूप में जो संपत्ति है उसका यदि बंटवारा किया जाता है तो पिता का जो धन है, जो संपत्ति है, उसका माता, पुत्रियां और पुत्र इन सभी का बराबर हक होता है। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा था कि पिता की मृत्यु के पश्चात में जो धन है उसका माता का भी बराबर हिस्सा होना चाहिए, पुत्रों के समान ही माता को उसका हिस्सा मिलना चाहिए। अब असंस्कृतास्तु संस्कारिया भ्रातृ भी पूर्व संस्कृतई, कि जो पहले से शादीशुदा पुत्र हैं या भाई हैं, पिता की मृत्यु के पश्चात में जो भाई पहले से शादीशुदा हैं, जिनका विवाह पहले हो चुका है, वो अपने अविवाहित भाइयों का विवाह करें, उनका संस्कार करवाएं, विवाह संस्कार करवाएं। मतलब चार पांच भाई हैं, दो तीन का विवाह हो गया है यदि और एक दो कंवारे हैं, तो जो अविवाहित हैं उन अविवाहित भाइयों की शादी की जिम्मेदारी उन बड़े भाइयों की होती है जिनके पहले शादी हो चुकी है। भगिन्यश्च निजात अंशात दत्वा अंशम तुतूरी तूर्यकम, कि जो बहन यदि अविवाहित है, यदि पिता की मृत्यु के पश्चात में यदि उन पुत्रों की जो जिसकी मृत्यु होती है उसके पुत्रों में उन पुत्रों की जो बहन यदि कंवारी है, अविवाहित है, तो उसके विवाह की जिम्मेदारी उन भाइयों की है। वो सभी भाई अपने अपने हिस्से का चतुर्थ अंश देकर के उस बहन की शादी करवाएं। अब इसके पश्चात जो अपने सिलेबस में हैं वो आएंगे 12 प्रकार के पुत्र। यज्ञवल्क्य जी ने 12 प्रकार के पुत्र बताए, मनुस्मृति में भी 12 प्रकार के पुत्र बताए गए हैं कि पुत्र द्वादश विध है, वो हम अगले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। धन्यवाद।